प्रदेश ड्राइविंग स्कूल संघ की बैठक का आयोजन ठाकुर ड्राइविंग स्कूल हमीरपुर परिसर में किया गया, जिसकी अध्यक्षता संघ के प्रदेशाध्यक्ष मेहर चंद धीमान ने की, जिसमें प्रदेश में हो रही दुर्घटनाओं के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। सभी सदस्यों ने अधिकांश दुर्घटनाओं में चालकों के प्रशिक्षण में कमियां होने की बात पर सहमति दी। धीमान ने कहा कि चालकों को उत्तम दर्जे का प्रशिक्षण अनिवार्य है, इस समस्या के समाधान के लिए जरूरी कदम उठाने पर बल दिया जाएगा। वहीं निर्णय लिया गया कि समस्त ड्राइविंग स्कूलों में बायोमेट्रिक मशीनें लगाई जाएंगी, ताकि प्रशिक्षकों की पूरी हाजिरी सुनिश्चित की जा सके। दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है, इसे प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को सौंपा जाएगा, जिसमें काफी संख्या में संघ के सदस्य मौजूद रहे। हमारे प्रदेश में भी और देश में भी सबसे बड़ी जो हमको कठिनाई सामने आ रही है वो रोड एक्सीडेंट्स है। हर दिन हम देखते हैं कि सड़क में आज कितने एक्सीडेंट फलां जगह हो गए, कितनी मौतें हो गई। हम ये समझते हैं कि एक्सीडेंट्स का जो मुख्य कारण है वो है लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ ट्रेनिंग। स्कूल्स तो ड्राइविंग स्कूल खुले जरूर हैं, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के लिए हमारी जानकारी के मुताबिक ड्राइविंग ट्रेनिंग जो है अभी तक एसेंशियल नहीं रखी हुई है। हमारा सुझाव ये है कि हर वर्ग के लिए, चाहे वो टू व्हीलर है, चाहे फोर व्हीलर है, बड़ी गाड़ी है, छोटी गाड़ी है, उसको जिसने भी चलाना है उसको ट्रेनिंग अवश्य दी जानी चाहिए, ताकि उसको पता लगे रोड सेफ्टी क्या है, रोड के कायदे कानून क्या है, और थोड़ा बहुत गाड़ी के बारे में भी जानकारी मिले। वो केवल और केवल ट्रेनिंग के माध्यम से होंगे। दूसरे हम ये चाहते हैं कि जो ट्रेनिंग व्हीकल्स हैं, अभी तक इनका जो इंश्योरेंस किया जाता है पर सीट के हिसाब से किया जाता है, जो वाजिब नहीं, क्योंकि ट्रेनिंग व्हीकल्स हैं, पैसेंजर व्हीकल्स हैं नहीं, तो इनको पर सीट ना करके जो भी इसका दूसरा समाधान निकल सकता है उसकी ट्रेनिंग, उसकी बीमा जो है उस ढंग से किया जाना चाहिए। तीसरे में जो हमारी व्हीकल्स हैं इनसे टैक्स लिया जाता है, टोकन टैक्स, वो भी सीट के हिसाब से लिया जाता है, तो क्योंकि ये ट्रेनिंग व्हीकल है तो ये भी सीट के हिसाब से धन ले जा करके जो भी सिंपल से सिंपल इसका तरीका निकल सकता है उस ढंग से लिया जाना चाहिए।